सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। और माफ़ करना, ये वीडियो डिले हो गई है जानता हूँ, लेकिन यार क्या करें, एग्ज़ाम्स के वजह से थोड़ा डिले करना पड़ा ये वीडियो, लेकिन अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, आज हम एक ऐसे एंटी हीरो के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि बहुत ही कूल एंटी हीरो है, जो कि हमें अब तक मूवीज़ में देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसकी टीवी सीरीज़ में हमने उसे बहुत बार देखा है, और उसका नाम है पनिशर। यस गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पनिशर की ओरिजिन स्टोरी पे, क्योंकि बहुत लोगों ने ओरिजिन पनिशर का पता नहीं है बहुत लोगों को, तो सोचा इस वीडियो में आपको बता दूं पनिशर की एक ओरिजिन स्टोरी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉस्मोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, पनिशर एक ऐसा एंटी हीरो है जिसे बहुत कूल माना जाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसे एंटी हीरो क्यों बनना पड़ा, उसने ये रास्ता क्यों चुना, और उसे मार्वल का सबसे कूल एंटी हीरोज में से क्यों माना जाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो हर कोई शौक से हीरो नहीं बनता, उसके पीछे कोई एक वजह होती है, लेकिन ये सफ़र हमेशा अच्छा हो ऐसा तो नहीं होता। मेरी मानो तो किसी को भी सुपर हीरो सफ़र अच्छा नहीं होता। पनिशर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 129 में। शुरुआत को एज अ विलन शो किया गया था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो भी एक हीरो है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 129 में द जैकल, जो कि स्पाइडरमैन का एनिमी था, उसने स्पाइडरमैन को मारने के लिए पनिशर को हायर किया था, पर वक्त के साथ पनिशर को पता चला कि स्पाइडरमैन भी एक अच्छा सुपर हीरो है। फिर उसके बाद क्या, हमें पनिशर दिखा मार्वल प्रीव्यू की प्रेजेंस पनिशर में। फ्रैंक कैसल एक ओरिजिन पता चला, जहाँ पे फ्रैंक कैसल एक आर्मी ऑफिसर था, उसने नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सारे मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके था, और वो प्रोफेसर से नेवी कमांडर था। इससे पहले वो यूएस वियतनाम वॉर भी लड़ चुका था, जिसमें उसने हार्ड वर्क किया और उसे बहुत ही ज़्यादा बैचेस और मेडल्स भी मिले। अब उसे 2 महीने के लिए न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र जाने से पहले वो सोचता है कि अपने फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और एक पिकनिक पे जाए। सो फ्रैंक कैसल अपने बच्चों और बीवी के साथ एक बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा था, और वो लोग पिकनिक में बहुत ज़्यादा मज़े भी कर रहे थे। लेकिन तभी पिकनिक में कुछ मर्डरर्स मर्डर कर रहे होते हैं, और फ्रैंक की वाइफ ने उन्हें देख लिया। बदले में मर्डरर्स ने फ्रैंक की फैमिली पर भी अटैक किया। फ्रैंक ने जब आँख खोली तो उसने देखा कि अपनी बीवी बच्चों को मरा हुआ देखा। उसने पुलिस को खबर कर दी। उसने खुद भी उस गैंग को ढूंढना चालू कर दिया जिसने उसकी फैमिली का मार डाला था, यानी मर्डर किया था। सो फ्रैंक साइकेट्रिस्ट के पास गया अपनी मेंटल इंस्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए या फिर सुधारने के लिए। तो जब साइकेट्रिस्ट ने फ्रैंक की बात पूरी सुनी, तो उसने फ्रैंक को ऑफर किया कि उसके कार में कुछ गन्स है, उसके गाड़ी में कुछ एम्यूनिशन है, वो जाके ले जाओ और अपनी फैमिली का बदला लो। तो इसी तरीके से फैमिली को मारने गया था, फ्रैंक के घर पे अटैक किया तो किया, और बदले में फ्रैंक ने सबको मार दिया। फ्रैंक ने ये ठान लिया था कि वह अब वो हर क्रिमिनल को सजा देगा, और वो बन गया द पनिशर। फिर उसने बहुत सारे क्राइम्स रोके, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डीलर्स, ड्रग डीलर्स, स्ट्रीट गैंग किलर्स उसके मेन टारगेट्स थे। उसके एलाइज बने स्पाइडरमैन और डेयरडेविल। पहले स्पाइडरमैन और डेयरडेविल कि उसको लगता था कि स्पाइडरमैन के साथ इसलिए उसने फाइट की थी, उसको लगा था वो उसका दुश्मन है, लेकिन पनिशर को पता चला कि स्पाइडरमैन भी एक अच्छा हीरो है और वो भी क्राइम्स रोकता है। फिर क्या होना था, दोस्त दुश्मन का दुश्मन बना उसका दोस्त, और स्पाइडरमैन और पनिशर में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वक्त ने दोस्त बना दिया। कॉमिक्स के सिविल वॉर में पनिशर ने कैप्टन की साइड ली थी। अब पनिशर कूल क्यों है, बंदे का स्वैग तो देखो यार। पनिशर ने किंग पिंग और नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी मौत के घाट उतारा है। अभी एक अल्टरनेट टाइमलाइन में पूरी मार्वल यूनिवर्स को किल कर चुका था ये बंदा, जो किसे और कूल बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो हमारे भाई साहब पनिशर मर के भी जिंदा हो गए हैं। जी हाँ, मर के भी। वॉल्वरिन का बेटा डकैन ने एक लड़ाई में इन्हें 2 हिस्सों में काट दिया था, लेकिन द लेजेंड ऑफ मॉन्स्टर्स ने फिर से जिंदा किया। इवन डेथ ने भी पनिशर को नहीं रोका। इन चीज़ों से हमें इसे मार्वल का सबसे कूलेस्ट एंटी हीरो की लिस्ट में डेफिनेटली अपनी जगह बना लेता है। तो ये ओरिजिन स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपके पास कोई नए सजेशन देंगे वीडियोस के लिए, आप कुछ चाहते हैं मेरे से मैं बनाऊँ उस पर, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप अप करना। तो ये वीडियो के यही रैप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल सुपर हीरो कॉस्मोस, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड बी ए सुपर हीरो।